ये वाली बकेट मेरी भर चुकी है एकदम। गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ से ये मैंने काफ़ी टाइम से हटा दिया था, और ज़ियान का यहाँ पे कैबिनेट रख दिया था, बट मैंने वापस यहाँ से खाली कर दिया क्योंकि बहुत भरा भरा घर लग रहा था। तो ये मैंने वापस यहाँ रख दिया है, एंड इसको भी मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ क्योंकि ये भी मुझे बहुत हैवी हैवी लग रहा है। स्पेशली मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ, और मैं अपने ड्रॉर्स अब खाली करने लगी हूँ। इनमें जितना भी मेकअप है ना, मैं डिक्लटर करने लगी हूँ। आई एम वेरी सीरियस दिस टाइम। तो यहाँ पे एक मैंने ये बास्केट ले लिया, इसमें सब कुछ निकालूंगी जो मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये भी मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, एज इट इज़ ही पड़े हुए हैं। आजकल मैं मेकअप इतना नहीं करती हूँ कि मुझे ब्रशेज यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। ओके, तो ये वाला मैंने ड्रॉर ना काफ़ी खाली कर लिया, इसमें मैं शायद अपने ड्रायर्स वगैरह रख दूँ जो कि मैंने अभी फ़िलहाल इस कॉर्नर में रखे हैं अपने डायसन के बॉक्स के ऊपर। ये मिस्ट्स हैं, फेशियल मिस्ट, ये मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे ये मॉइस्चराइज़र और शीट है, मास्क है, ये भी मैं निकाल रही हूँ, इसकी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। एक्चुअली मेरी बड़ी गंदी आदत है बॉक्सेस जो है ना वो संभाल के रखने की। तो यहाँ पे अब देखो, एक मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है संभाल के जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी निकाल रही हूँ। अपने सब परफ्यूम्स के बॉक्सेस संभाल के रखे हुए हैं, कैन यू इमेजिन। ये मेरे मेकअप रिमूवर्स हैं जिसमें से मैं एक निकाल रही हूँ, एक रख रही हूँ, एंड ये रखूँगी। ये मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, बॉडी ग्लो, और ये भी निकाल रही हूँ फाउंडेशंस एंड मोर फाउंडेशंस एंड मोर फाउंडेशंस एंड मोर फाउंडेशन। ये तो मैंने अपना कैमरा स्टैंड पे लगा लिया क्योंकि काफ़ी कुछ निकालना है। ये फाउंडेशन निकाल रही हूँ। अच्छा, ये ब्रश मैं अपनी बहन से पूछूँगी अगर उसको चाहिए हुआ तो, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ न्यू। ये फाउंडेशन निकाल रही हूँ सर। अब मैं जोश में आ गई हूँ, मुझे नीचे बैठना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला ड्रॉर है इतनी ऊपर से। आई थिंक आई विल कीप दिस सेफोरा की फाउंडेशन। ये नेल पॉलिश निकाल रही हूँ, ये नेल पॉलिश निकाल रही हूँ, ये नेल पॉलिश निकाल रही हूँ, ये आई सेटिंग पाउडर है वो निकाल रही हूँ, हेयर आई हैव सम न्यू ब्रांड न्यू क्रीम्स ये निकाल रही हूँ, ये निकाल रही हूँ, ब्रांड न्यू है ये भी, ये निकाल रही हूँ, एंड अगेन फाउंडेशन ये भी निकाल रही हूँ, और क्या निकाल रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन, ये ऑयल है, बेस कोट ये रख लेती हूँ कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये नेल पॉलिशेस निकाल रही हूँ क्योंकि मैं अब घर में तो लगाती हूँ, ये सब मैंने इकट्ठी की थी कोविड के डेज़ में, फाउंडेशन और मेकअप और नेल पॉलिशेस, अब तो मैं सिर्फ सैलून से लगवाती हूँ तो इन सबको निकाल रही हूँ। ये नेल आर्ट एक्सप्रेस ड्राई है, इससे जल्दी से नेल पॉलिश सूख जाती है, ये रख रही हूँ, ये निकाल रही हूँ, ये फाउंडेशन निकाल रही हूँ, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया एज इट इज़, सीन ब्रांड न्यू पड़ी हुई है नंबर 7 की, ये भी निकाल रही हूँ, ये पूरा निकाल रही हूँ एज इट इज़ ही। इसमें एक दफ़ा मेरी बहन ने मुझे 8 करके दिया था सेरिश का ब्लश है, ये भी निकाल रही हूँ सेरिश, ये पाउच सा है इसको निकाल, ये लास्ट फिनिश प्राइमर है ये भी निकाल रही हूँ, बर्ड्स बी की न्यू ये भी निकाल रही हूँ, ये भी निकाल रही हूँ, एंड मेरे हस्बैंड ने आके देख लिया ना ये सब निकालते हुए तो मुझे पड़ेंगी गालियाँ कितना मेकअप खरीद के अब निकाल रही है, ये भी निकाल रही हूँ। एक्चुअली मैं डोनेशन में ये सब डालने वाली हूँ, ये सेटिंग स्प्रे नया ले लिया और इसका पता नहीं क्या पड़ा होगा, ये सब जा रही हैं गाइस, ये भी जा रही हैं, ये सब डोनेशन में जा रही हैं, ये जो डिक्लटर हो रहा है ना ये सब डोनेशन में जाएंगी। ये है मेरा ब्लश, बहुत अच्छा है, एक बार मैंने यूज़ किया, इट्स अ लिक्विड ब्लश, इट्स वेरी नाइस ड्यूई, ये भी निकाल रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी मैं वो वीडियो बनाने की जो कि मैं डोनेशन में जब डालने जाऊँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। नेक्स्ट का सेटिंग स्प्रे, एक बकेट तो मेरी भर चुकी है फाउंडेशंस की, ये वाली बकेट मेरी भर चुकी है, इसको मैं कर रही हूँ साइड पे, एंड दूसरी निकालते हैं, आई थिंक यही निकाल लेती हो एज इट इज़। इसमें से ये ब्यूटी स्पॉन्ज रखती हूँ, ये फाउंडेशन है, ये वाला मेरा रखने को ही दिल कर रहा है बट आई थिंक ये मेरा शेड भी नहीं अब रहा,
ये भी निकाल रही हूँ चीज़ें हैं, ये सारी फाउंडेशंस हैं, ये जेल पॉलिश है रेड कलर की, ये रखती हूँ। यहाँ से ये हेयर स्प्रे निकाल रही हूँ। ये आईब्रो पेंसिल्स हैं, एक बार मैंने पता नहीं क्यों इस तरह से ले ली थी बल्क में, ये मैं निकाल रही हूँ। ये पैलेट निकाल रही हूँ एल्फ की, ब्यूटी स्पॉन्ज दिस ब्रांड न्यू, ये सब निकाल रही हूँ। जो भी निकाल रही हूँ ना आप देखते जाओ, मैं एक एक चीज़ का नाम बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाइलाइटर्स हैं, ये पुट्टी प्राइमर है, एंड अगेन प्रैप, ये सब गया निकल और मेरा ड्रॉअर हो गया खाली। मुझे ये हेयर बैंड्स चाहिए, ये हाइलाइटर निकाल रही हूँ, ये एक दफ़ा लिखी थी विटामिन ई, सोचा तो गाइस काफ़ी जगह यहाँ पे भी बन गई है, ऊपर वाले ड्रॉअर्स में भी बन गई है। तो अभी तक हमने दो जो हैं बॉक्स खाली कर लिए हैं। ज्वेलरी बॉक्स इसमें आएगा लास्ट वाले में। नाउ दिस लेट मी सॉर्ट आउट टू दिस साइड। यहाँ पे मेरे सारे आई शेडो पैलेट्स हैं, लेंसेज हैं, और ब्रांड न्यू आई लैशेज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने यूज़ नहीं की हैं। बट फाउंडेशन तो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन मैंने ऑलरेडी वो भी ले ली हुई हैं, तो ये वाली यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो ये सब निकल रही हैं। अभी तक मैंने ये सब निकाला है, तो ये भी अंदर ये हेयर सीरम है, ये भी निकाल रही हूँ सब। ब्रशेज हैं, पेंसिल्स हैं, और यहाँ पे एक बैग है जिसके अंदर भी मेकअप है, लिपस्टिक्स हैं, ब्लश ऑन है, ये सब भी मैं निकाल रही हूँ। आई थिंक आज मैं बहुत कुछ निकालने वाली हूँ जो कि मैं हमेशा रखती हूँ और यूज़, एक्चुअली ना काफ़ी टाइम हो गया मैंने मेकअप करना छोड़ दिया है, लाइक मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड ऑल। तो ये भी एक खाली बॉक्स है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आईलैशेस हैं, ये भी निकाल रही हूँ, जब लगानी होगी नहीं ले लेंगे। ये वाली फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छी है, फार्मूला फिजिशियन की, ये मैं रख रही हूँ। यहाँ पे जो जगह बनी है उसमें मैं यहाँ से कुछ उठा के पहले ड्रॉअर से कुछ रखने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा बॉक्स है ना, इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ, जो कि मैंने बहुत अरसे संभाल के रखा था और यूज़ में नहीं था। ये मैं अपने ब्रशेज सारे जो है ना इसमें बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा धो के रखती हूँ, ये गंदे हो जाते हैं क्योंकि यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। थोड़े से वहाँ पे निकाल के रख लिए हैं जो डेली यूज़ के हैं या जब कभी बाहर जाने के यूज़ किए हैं, बाकी सब मैं इसमें रख के तो बंद करने लगी हूँ, कुछ बाद में देखी जाएगी जब यूज़ करने वाली है, क्योंकि आजकल तो ये यूज़ नहीं होते हैं, सो बेटर है कि इनको सेव कर दिया जाए। से ये वाली ऐसे ही मैं दे दूँगी, क्योंकि मैंने इनके कवर ना, ये स्टाइल के चक्कर में ना मैंने इनके कवर उतारे थे और मुझे पता नहीं मैंने कहाँ वो रख दिए हैं। और ये लिप स्टेन है, मैं सोच रही हूँ ये सारा भी ना इसी में रख दूँ ताकि उठाना इजी हो। यहाँ पे कुछ इयर रिंग्स मैंने मंगवाए थे, ये भी सोच रही हूँ कि इनमें डाल दूँ, जो जिनमें से मैंने लिपस्टिक्स निकाली है ना, तो ये यूटिलाइज हो जाएंगे। ये हैं एयरिंग्स, बहुत ही प्यारे कलरफुल से क्यूट लग रहे हैं। अब यहाँ पे पड़ा लिपस्टिक्स वगैरह, इसमें से भी कलर की कवर गर्ल की सोच रही हूँ रख लूँ और ये वाली निकाल दूँ। यहाँ पे भी हैं सारे मैक के, ये भी रखूँगी, लॉरियल की भी रखूँगी, और ये मिक्स हैं ये भी रखूँगी, सो ये वाली निकाल रही हूँ। इट्स अ बर्ड्स बी ब्रांड है उसकी, हैं बहुत टाइम लग गया है मुझे, तो मेरी बहन मेरी हेल्प करने के लिए आई है यहाँ पे, क्योंकि मैं ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ एंड मुझे लगता है 2-3 घंटे हो गए हैं हमें ये सब कुछ करते हुए, यहाँ पे ये मेरी हेल्प करा रही है, थैंक यू सो मच। तो ये है पूरा मेकअप जो जा रहा है चैरिटी में, यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए हम आए हैं। आर यू श्योर यू वांट टू गिव दिस? इतना बड़ा दिल है। ओके बहनों मज़े करो।